दोस्तों 18 फरवरी की तारीख भारत के इतिहास में ऐसे काले दिन के तौर पर जानी जाती है जिसके बारे में बहुत कम ही बातचीत की जाती है, लेकिन इसके बावजूद इस दिन हुई एक घटना ने भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में बढ़ती हुई नई राजनीति और नए दौर के भारत को जन्म दिया। क्योंकि 18 फरवरी 1983 के दिन ही असम के नेली इलाके में महज 7 घंटों के अंदर करीब 2000 से ज्यादा बंगाली मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया गया, और ये नरसंहार करने वाले कोई और नहीं बल्कि असम के रहने वाले थे। लेकिन दोस्तों हैरानी की तो ये है कि आज से करीब 40 साल पहले हुई इस घटना का एक भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया और न ही सजा दी गई, जिसके लिए जिम्मेदार लोगों में केंद्र की तत्कालीन सरकार से लेकर इंदिरा गांधी तक सब शामिल हैं। लेकिन आखिर 18 फरवरी की तारीख को ऐसा क्या हुआ था और क्यों महज 7 घंटों के अंदर ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया गया, तो आइए कोशिश करते हैं इस कहानी को पूरा समझने की। तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 70 के दशक से, जब 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग के बाद पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में भारत ने एक अलग देश की मान्यता देते हुए उसकी सरकार को सपोर्ट करके वहाँ पर एक नए राष्ट्र का उदय किया। लेकिन अगर आप मैप पर देखेंगे तो जिस राष्ट्र का उदय बांग्लादेश के तौर पर हुआ उसके आसपास ही भारत के पूर्वोत्तर राज्य भी आते हैं, जिसमें से सबसे बड़े राज्य असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल थे। अब चूंकि बांग्लादेश में रहने वाले लोग बेसिकली बंगाली मुस्लिम थे जिन्हें बंगाली बोलनी आती थी, इसलिए उनकी पहचान अलग से करना मुश्किल था, और इन्हीं लोगों ने बांग्लादेश की खराब स्थिति को समझते हुए 1971 के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेश से सटे असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में माइग्रेट करना शुरू कर दिया, वो भी गैर कानूनी तरीके से। और दोस्तों इसी माइग्रेशन की वजह से असम और आसपास के राज्यों में जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज रहती थी उन्हें ये डर सताने लगा कि बंगाली मुसलमान जो बांग्लादेश से आ रहे हैं ये उनके इलाके पर अपना अधिकार कर लेंगे। और एक और तरीके का रोष भी उन लोगों के मन में था कि कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से उनकी सभ्यता और संस्कृति बढ़ जाएगी और देश में उनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। इसी का विरोध शुरू हुआ 1979 से, और 1979 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1977 में जिस तरीके से जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई वो 1979 तक अपना संतुलन खोकर सरकार से हट गई थी, जिसके बाद पूर्वोत्तर के राज्यों का कोई जवाबदार नहीं बचा था और सिर्फ राज्य सरकारें या फिर लोकल पार्टीज के भरोसे ही ये राज्य चलाए जा रहे थे। फिर साल आया 1980 जिसमें सबसे पहली बार बड़ी संख्या में इन बंगाली माइग्रेटेड मुसलमानों को टारगेट करके उनके खिलाफ नॉर्थ ईस्ट में हिंसा शुरू की गई और बड़ी संख्या में उन्हें जान से भी मारा गया। इसीलिए इस नेली हत्याकांड को समझने से पहले हमें त्रिपुरा के एक गांव मंडाई में हुए हत्याकांड की कहानी को समझना होगा, जो इस बड़े नरसंहार की शुरुआत थी। दरअसल बांग्लादेश से माइग्रेट होने वाले लोग बेसिकली त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और असम में शरणार्थियों के तौर पर गैर कानूनी ढंग से आ रहे थे, जिसमें वेस्ट बंगाल में तो वो लोग मेजोरिटी में थे लेकिन त्रिपुरा और असम में उनकी मेजोरिटी नहीं थी। खासतौर पर भाषा के आधार पर बात करें तो उस समय त्रिपुरा की कई ऐसी जनजातियाँ और ट्राइबल कम्युनिटीज थी जिन्हें इन बंगाली लोगों से काफी दिक्कत होती थी। उस समय त्रिपुरा की इंडिजिनियस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई पार्टी बनाई गई जिसे त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति के नाम से जाना गया। इस पार्टी की मांग थी कि जिस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है उसे देखते हुए त्रिपुरा में ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए अलग से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनवाई जाए, जो कि बेसिकली इस तरह काम करती है कि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है और सिर्फ उन आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए ही काम करे। अब चूंकि उस समय त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी लेकिन अपोजिशन की अमरा बंगाली पार्टी भी बहुत सारी सीटों पर मौजूद थी। बता दें कि ये पार्टी त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति की मांग को सही नहीं मानती थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो त्रिपुरा में बंगालियों की स्थिति खराब हो जाएगी और ट्राइबल कम्युनिटीज पर कोई रोक टोक नहीं रह जाएगी। अब ये सब होते होते समय ऐसा आ गया कि जब आदिवासियों की बात को नहीं माना गया तब इस बात के खिलाफ विरोध करते हुए तुच्छ के लोगों ने 6 जून 1980 को त्रिपुरा को बंद करवा दिया और वहाँ बढ़ती हुई बंगाली पॉपुलेशन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान तुच्छ के 3 वॉलंटियर्स अचानक से गायब हो गए और एक ट्राइबल फ्रूट सेलर मार्केट से गायब हो गया, जिसके बाद मंडाई इलाके में बहुत बड़े लेवल पर टेंशन बढ़ गया और फिर ऐसा कहा जाता है कि 7 जून को नॉन ट्राइबल इलाकों में इन आदिवासियों ने जमकर हिंसा और लूटपाट की। लेकिन असली घटना 8 जून 1980 को हुई, जब अचानक से आदिवासियों की एक भीड़ जिनके हाथ में हथियार मौजूद थे उन्होंने मंडाई गाँव के बंगाली इलाके में घुसकर बंगाली फैमिलीज को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही करीब 250 लोगों की जान गई थी। लेकिन अगर बात करें असल आंकड़ों की तो इसमें 400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भी यहाँ का माहौल सही नहीं हुआ और करीब 6500 बंगाली मुसलमान परिवारों को ये इलाका छोड़कर अलग अलग जगहों पर जाकर बसना पड़ा, जिसके बाद आखिरकार 1982 में संविधान के 6th शेड्यूल को लागू करके इन ट्राइबल्स को अलग से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का अधिकार दिया गया। अब दोस्तों इस 6th शेड्यूल से त्रिपुरा के ट्राइबल्स का तो भला हो गया, लेकिन अब बारी थी असम की, जहाँ की रहने वाली इंडिजिनियस पॉपुलेशन भी इन बढ़ते हुए मुसलमान बंगालियों के
खिलाफ आंदोलन कर रही थी। साल 1979 से 1982 तक देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी केंद्र सरकार में ठीक से नहीं आ पाई, जिस कारण तब तक देश में राष्ट्रपति शासन लागू रहा और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती रही। इसी पॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए इंदिरा गांधी ने साल 1983 के शुरुआत में ही इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी, जिसका विरोध हर जगह किया गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी की नहीं सुनी और जनवरी से फरवरी तक की इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करते हुए पूरे देश में लोकसभा चुनाव आयोजित करवा दिए। लेकिन तब असम में रहने वाले लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा, क्योंकि जब 1982 में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को मेंटेन किया तो उन्हें पता चला कि असम में लोगों की वोटर लिस्ट की जनसंख्या में 30% का ड्रास्टिक ग्रोथ हुआ है और ये लोग कोई और नहीं वही रेफ्यूजीज थे जो बांग्लादेश से आकर यहाँ बसे थे। अब दोस्तों इस बात का विरोध होने लगा कि इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी विरोध को दबा दिया गया और कहा गया कि वोटर लिस्ट में जिसका भी नाम है वो वोट देने के लायक है। जिसके बाद असम में रहने वाले लोगों को लगा कि ये लोग जो रेफ्यूजीज के तौर पर आए थे और अब यहाँ के नागरिक बन गए हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव का रुख बदल कर वही सरकार चुनेंगे जो बंगाली कम्युनिटीज को सपोर्ट करती हो। अब इसमें खासकर कांग्रेस के जीतने की संभावना ज्यादा थी और एक कारण कि कांग्रेस को असम में हराना लोकल पार्टीज के लिए बहुत मुश्किल था वो ये था कि वो इन लोगों को वोट देने का अधिकार दे रही है, जिससे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को लग रहा था कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी उनका अच्छा खासा वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। बस इसी कारण इंदिरा ने किसी की नहीं सुनी और पहली बार असम में इतने बड़े लेवल पर सेना की मौजूदगी में चुनाव करवाने की कोशिश की गई। लेकिन यह सबसे बड़ी चुनौती सेना के लिए थी क्योंकि वो पहली बार असम के पहाड़ी इलाकों में जाकर सुरक्षित तरीके से चुनाव करवाना चाहते थे। यहाँ सेना को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और वो वहाँ के गाँव वालों पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि गाँव वालों की असली ईमानदारी तो उन्हीं लोकल पार्टीज के साथ थी जो इन बंगाली मुसलमानों के खिलाफ थे, इसीलिए गांव के लोग भी सेना को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। और यही हुआ 18 फरवरी 1983 के दिन, जब एक साथ नेली के इलाके में हथियारबंद लोगों ने अटैक किया और 7 घंटे तक चले इस नरसंहार में देखते ही देखते 2000 से भी ज्यादा बंगाली मुसलमानों की हत्या कर दी गई। और दोस्तों ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा था, असल में इस हत्याकांड में 4000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसके बाद चुनाव हुए और देश में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन मरने वाले इन तमाम मुसलमानों के हत्यारों के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ और मुमकिन है कि वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। और दोस्तों आज भी गुजरात और 1984 के सिख दंगों के बाद अगर कोई दंगा इतने बड़े लेवल पर देखा जाता है तो वो असम का ये नेली हत्याकांड ही है। खैर आपको क्या लगता है, इस हत्याकांड के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या रही होगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।